सफ़ेद सोमल है, 250 ग्राम सोमल है, सफ़ेद सोमल। सफ़ेद सोमल 250 ग्राम लिया है। देखो सोमल कैसा होता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। असली सोमल कैसा होता है देखो, इसमें छाया पड़ने से तुरंत मालूम हो जाता है। देखो मैं हाथ रखता हूँ, प्रकाश की तरफ से छाया उसके ऊपर हाथ का पाड़ता हूँ। देखो कैसे आर पार दिखने वाला होता है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो छाया पड़ते हैं तो आर पार नहीं दिखते हैं, हाथ का छाया हटा लेते हैं तो आर पार दिखते हैं, ऐसा काश जैसा चमक वाला जो सोमल होता है वो असली सोमल सफ़ेद सोमल होता है। देखो कैसी काश की तरह उसकी चमक है, आर पार दिखने वाला। देखो देखो आर पार दिखने वाला दिखता है ना, आर पार ऐसा सोमल कायमी सोर करना है के लिए उसको पहले शुद्ध करना पड़ता है। सोमल एक मित्रों एक प्रकार का जहर ही है। अगर ऐसे देखा जाए तो रसायन में, रसायन की जो हर कोई चीज है वो सभी एक प्रकार का जहर ही है, लेकिन उसका जहर टूट जाता है तो शरीर के लिए अमृत समान साबित होता है। वही जहर शरीर के लिए अमृत समान साबित होता है, लेकिन उनको उचित मात्रा में उचित अनुपान के साथ लिया जाए तो ऐसा ही सोमल एक प्रकार का जहर है जो खनिज तत्व भी है। लेकिन हाल में तो फैक्ट्रियों में बनने वाला भी सोमल उपलब्ध है हमारे सामने, ज़्यादातर पंचारियों के गांधी की दुकान पर यही सोमल मिलता है। ये बड़े वाला गांगड़ा है, देखो बड़े वाला गांगड़ा लेते हैं तो अभी कैसे अंदर आर पार दिखने वाला होता है, दिखता है ना आर पार। आपको मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आर पार दिखने वाला होता है। देखो पीछे अंगुली का भी परछाया आपको दिखेगा, देख ऐसा सोमल मंगाला। सोमल के ऊपर कोई भी प्रकार का काम होना हो तो मैं दिखाने का मतलब ऐसा ही असली सोमल होता है, लेकिन ये फैक्ट्री का है कि खनिज का है ये कहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बातें तो हम सब करते हैं कि ये मैंने ये मंगाया है, ये खनिज है, ओरिजिनल है, लेकिन ये सब बातें ही होती है। उसकी पहचान तो सिर्फ लेबोरेटरी कर सकती है कि ये खनिज है कि फैक्ट्री वाला। अब इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है खांड पर, देखो जो टुकड़ा किया वो देखो डायमंड जैसा, कच्चा डायमंड कैसा होता है ऐसा दिखने वाला होता है। देखो कैसा आर पार दिखता है, अब उसको एक आधा एक लोटे में आधा ग्लास गाय का दूध लेकर इसमें डालना है। ये सोमल के टुकड़ाओं को सोमल का शुद्धिकरण करने के लिए
देखो एक ये दूसरा अंदर से जो भाग निकला तोड़ने के बाद वो मैं दिखाता हूँ, तोड़ने के बाद जो अंदर का भाग निकला कैसा कांच ही दिखता है। कभी कभी क्या होता है रसायन में मटेरियल के बारे में हमको अच्छी तरह ज्ञान नहीं उपलब्ध होता है, तो बाज़ार में मिलने वाला कहीं से भी ऐसा सोमलम ला देते हैं, तो कभी कभी ऐसी चीज़ भी हमारे को निष्फलता की तरफ ले जाती है। ये सभी चीज़ें बताने का मेरा मतलब यही है, कैसे कई कौन सी असली चीज़ को पहचाना जावे, यही लक्ष्य है मेरा बताने का। अब उनको 24 घंटे तक ऊपर एक रकाबी प्लेट रख कर ढक दो, इसके ऊपर दूध के उम्र सभी सोमल मैंने डाल दिया, थोड़ा दूध उफाड़ा जितना गर्म करना है, ज़्यादा नहीं सिर्फ उफाड़ा रहे इतना गर्म करके दूध एक लोटे में भर कर आधा लीटर इसमें डाल दो दूध, और इसमें सोमल डाल दिया है, सोमल दूध में डूब जाना चाहिए इतना दूध डूबने चाहिए। बाद में उनको एक प्लेट ऊपर डिश ढक कर 24 घंटे ऐसे ही रहने दो, और हर दिन सुबह या तो 24 घंटा पूरा हुए तब दूसरा दूध ये दूध निकाल कर उनको सोमल को थोड़ा गर्म पानी से धोकर बाद में फिर इतना दूध दूसरे दिन ताज़ा दूध लेकर वो सोमल सब इसमें डालकर फिर दूसरे दिन रख देना। इसी तरीके से तीसरे दिन भी यही क्रिया करनी है, तीसरे दिन भी इस सोमल में जूना दूध निकाल कर फेंक देना है, अंदर निकला हुआ सोमल को थोड़ा उफाड़ा गर्म पानी से धोकर फिर इतना ही दूध लेकर इसमें डाल दो, फिर तीसरे दिन भी 24 घंटा पूरा होवे तो तीसरे दिन भी यही क्रिया करनी है, फिर चौथे दिन भी यही क्रिया करनी है, इसी तरीके से चार दिन चार बार क्रिया करनी है। एक क्रिया एक बार दूध में डाला सोमल तो 24 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहना देना, 24 घंटे बाद उनको निकाल कर साफ कर धोकर पानी से गर्म पानी से फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार 24 घंटे पर दूध बदलते रहना है, सुकमा चार बार दूध बदलना है, इसलिए चार दिन जाएगा। ये सोमल शुद्धिकरण की एक क्रिया हुई, इसी तरीके से सोमल शुद्ध किया जाता है। और भी तरीका है सोमल शुद्धिकरण का, तो ऐसे तो शास्त्रों में 6 से 7 प्रकार का अलग अलग तरीका अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है, सभी सही है, लेकिन ये सब उत्तम सरलता और सगड़ता वाला है, दूध कहीं भी हर कोई चीज़ को मिल जाएगा। अगर दूसरी कोई क्रिया में हम करने जाते हैं तो सब ढूंढने जाना पड़ता है, ऐसा भी होता है, इसलिए ये सबसे उत्तम क्रिया ये है। लेकिन गाय का दूध सही है, इसमें दुकान वाला कोथड़ी वाला दूध इसमें नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कहीं भी गाँवों में जो गाय रखने वाले होते हैं ऐसे लोगों से 4 दिन तक ऐसा जितना दूध ज़रूरियात है इतना दूध मंगवा लेने का, 250 ग्राम या तो 500 ग्राम जितना सोमल है इतना आप कर सकते हो, और जो इसमें 1 तोला भी कर सकते हो आप शुद्धिकरण, और 1 किलो सोमल तक तो इसमें शुद्धिकरण कर सकते हो, लेकिन इस हिसाब से दूध लेना पड़े, इस हिसाब से बर्तन थोड़ा बड़ा लेना पड़े, बस यही क्रिया सोमल शुद्धिकरण के लिए है। दूसरी भी 2-3 क्रिया है, वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में जब सोमल के ऊपर दूसरा अगला कदम उठाने जाएंगे तब ये सोमल की साथ दूसरी क्रिया शुद्धिकरण के भी मैं बताऊंगा, ये कर दो, जिसमें 3 में से 2-3 में से आपको जो सरल लगे वो इजी तरीके से आप सोमल शुद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन सोमल शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है मित्रों, सोमल और हड़ताल ये 2 चीज़ों को शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है पदार्थ चीज़ों में, क्योंकि गंधक का शुद्धिकरण हम नहीं करेंगे तो चलेंगे,
क्योंकि पहले गंधक खानों में से लाते थे हमारे ऋषि मुनियों, जब ये पुस्तकों लिखा गया तब, इसलिए इस वक्त शुद्धिकरण करने की जरूरियात थी। लेकिन वर्तमान की तुलना हम किया जावे तो इस वक्त ऐसा शुद्धिकरण वाली गंधक आती है कि जो हमको शुद्धिकरण करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ऋषि मुनियों शुद्धिकरण करते थे, इससे भी बड़ा अभी हमको तैयार गंधक शुद्धिकरण वाला मिलता है, इसलिए गंधक शुद्धिकरण में कोई ज़रूरियात नहीं है। वो सीधा ही दुकान से डालकर उनके ऊपर क्रिया आप कर सकते हो। लेकिन सोमल ने हड़ताल, ये दो पदार्थ ऐसी चीज़ है कि दोनों जहरीली है, उनको शुद्धिकरण करके ही आगे कोई भी देहवाद में उनका उपयोग करो या तो लोहवाद में उनका उपयोग करो। ये दो चीज़ों में शुद्धिकरण करने से उनके 50% काम उनका पूरा हो जाता है शुद्धिकरण में। इसलिए हड़ताल और ये सोमल को तो शुद्धिकरण फरियाद करना मित्रों, शुद्धिकरण करके ही बाद में उनको आगे बढ़ना। एक चीज से शुद्धिकरण करोगे तो दूसरी बार भी दूसरी क्रिया से भी आप शुद्धिकरण कर सकते हो, लेकिन उसका जहर का थोड़ा, पूरा जहर नाश नहीं होता है इसमें, लेकिन बहुत सारा कम शुद्धिकरण करने से उनका जहर का असर कम हो जाता है। फिर उसको कायम करेंगे तब भी उनका जहर टूट जाता है, फिर भी उनका सेवन करने के लिए उनका सोमल के साथ सेवन करना है, दवा के औषध में उपयोग में लेना है तो उनका सेवन घी के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि सोमल के जहर का मारण घी ही है। एक तल भार से लेकर एक चावल भार हम सोमल का सेवन कर सकते हैं, एक चावल से ज़्यादा कभी सेवन भी मत करना, ये भी मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ। कम से कम एक तल भार के समान हम सोमल का सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो रोग के ऊपर आधीन रहेगा कौन से रोग के ऊपर उनको सेवन कराना है। इसलिए जहर, सोमल जहर का मारण घी है, इसलिए दो चमची जब सोमल का सेवन करना हो, शायद वो एक तल भार भी क्यों ना हो, लेकिन एक सोए के नाके बार नाके बराबर भार भी क्यों ना हो, राय के दाने के बराबर क्यों ना हो, लेकिन घी दो चमची के साथ ही उनको सोमल का औसत सेवन करना है, ये मत भूलना कभी भी, क्योंकि ये रसायन की दवा है। ये रसायन की दवाओं की आड़ असर बहुत पैदा होती है, ये सोमल के सेवन से आपको गर्मी शरीर में पैदा हो जाएगी, मोढ़ा में साला भी हो सकता है, मोढ़ा में गर्मी भी आ सकती है, पेट में लोचा वलते जलन हो जावे, जाड़ा उल्टी भी हो सकती है। अनुपान के साथ सेवन करने से ये सारी समस्या दूर हो जाती है, इसलिए सोमल का सेवन हमेशा घी के अनुपान के साथ ही करना, ये मत भूलना। करना है तो अगर लोहवाद की तरफ जाना है तो उनके कोई अनुपान की ज़रूरियात नहीं है, तो आपके क्रियाओं के, आपके प्रयोग के अधीन आप बाद में उनको लोहवा की तरफ ले जा सकते हैं। इस सोमल के सेवन के वक्त जितना टाइम सेवन करना है इतना टाइम उसमें खुराक में परहेजी भी बहुत सख्त परहेजी है, तीन चीज़ों की परहेजी रखनी है सोमल का सेवन औषध के रूप में लेने के लिए। तेल, तीखा और खट्टाई, ये तीन चीज़ को आपको जब तक सोमल का सेवन चले तब तक बिल्कुल छोड़ ही देना है। बिल्कुल तेल तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल तीखा भी नहीं चलेगा और बिल्कुल खट्टाई भी नहीं चलेगी। ये तीन चीज़ अगर आप सेवन खाओगे सेवन के वक्त तो आपको रिएक्शन भी आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शरीर में रिएक्शन वाली चीज़ें बहुत होती है जो परहेजी उनको मैं नहीं रखती है तो। इसलिए रसायन के दवा का जब हमको सेवन करना है तो हमको पहले परहेजी में मक्कम होना पड़ेगा। तेल, तीखा और खट्टा तीनों चीज़ छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसके बिना, परहेजी के बिना कभी कोई रसायन की दवा का, इसमें खास कर कल यह सोमल का सेवन जो औषध के रूप में लेना है तो बिल्कुल परहेजी में पक्का हो जाना तो ही सेवन करना औषध के रूप में, नेत्रिय कभी सोमल का सेवन कभी मत करना। जो परहेजी रखने की अपने मक्कमता है तो ही सोमल को औषध के रूप में लेना
नहीं तो सोमल का सेवन कभी मत करना।